दोनों का रेट में काफी डिफरेंस है। अच्छा हाँ, एक तो आपका मतलब 40-50 के आसपास है, दूसरा 2.5 लाख का है। तो जाहिर सी बात है 2.5 लाख का है, तो दोनों लैब्राडोर ही है बट रेट इतना ज्यादा है। तो इसीलिए मेजर मतलब मेन है आपको क्वालिटी, क्वालिटी के कारण ही रेट इसका जबरदस्त ब्रीड। मतलब यहाँ पर मेरे को असली में लग रहा है कि डॉग्स वाला वाइब आ रहा है। डॉग्स वाला जो वाइब है ना, हमारे तो11 साल 12 साल से आप यहाँ पर हैं। मतलब आपको नहीं, ये यहाँ पे एस्टेब्लिश नहीं था। अच्छा। ये सारा कुछ प्रोग्राम है, जैसे कि पहले हम लोग का बच्चे से ही डील होता था, पपीज वगैरह डील करते थे, उससे रिलेटेड होते थे। अभी क्या है कि बाहर बाहर से काफी दूर दूर के, आपको देखिए इसमें बहुत सारे क्लाइंट है जो की काफी दूर दूर से आए हुए हैं। मतलब ऑल ओवर इंडिया से कह सकते हैं, बिहार झारखंड तो डेफिनेटली कह सकते हैं जी। हाँ, काफी बाहर बाहर से भी है, जैसे गाजियाबाद, दिल्ली से भी कस्टमर आते हैं हमारे यहाँ। अच्छा ठीक है। अब एक क्वेश्चन मेरा यहाँ पर आता है कि अगर मान लीजिए कि कोई बिहार से बाहर से, मतलब मेरे व्यूवर्स जो हैं बिहार के भी बहुत सारे हैं, झारखंड के भी और अदर स्टेट, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, हर स्टेट से, तो अगर वहां से आपको कॉल आया तो फुलफिल कर पाएंगे? कर देते हैं, डिपेंड करता है सामने वाली पार्टी कितनी इंटरेस्टेड। अच्छा, अगर वो इंटरेस्टेड होगा तो हम लोग कोई सा भी ब्रीड कहीं भी डिलीवर कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, यहाँ पे मतलब सब कुछ वैक्सीन वगैरह सब कुछ देते हैं। ये सारा मेडिकल से रिलेटेड सब कुछ हमारे पास, डॉक्टर की भी सुविधा है। अच्छा। अगर आपको देते हैं उसके बाद हमारे पास डॉक्टर की सुविधा है, जिससे क्या होता है कि अभी आपको डॉग मैंने दिया, कभी बेसिकली ऐसा होता नहीं है, लेकिन कभी बीमार पड़ गए डॉग, तो उसके लिए हमारे पास डॉक्टर है जो कि घर पे जाके भी इलाज कर सकते हैं। ठीक है, और ये बताइए भैया कि अभी इस वीडियो में क्या क्या होने वाला है, कुछ हाइलाइट्स बता दीजिए, क्या क्या डॉग तो आपको हम कुछ स्पेशल डॉग ऐसा दिखाएंगे कि डायरेक्ट दिखाएंगे, बिल्कुल दिखाएंगे आपको, आप उसके बारे में बताएंगे भी। अच्छा। दिखाने के साथ साथ उसको बताया भी जाएगा कि उसमें क्या क्या खासियत है। और लैब्राडोर अगर आप कह ले तो हमारे पास लैब्राडोर अभी जो है वो 2.5 लाख रुपए का लैब्राडोर अभी जस्ट परचेज हुआ है। इतना महंगा? हाँ, वो लैब्राडोर ही है, तो वो भी दिखाएंगे कि आखिर क्यों है वो सेल के लिए, क्या नो नॉट फॉर सेल। अच्छा भाई, 2.5 लाख वाले ये मत सोचना कि सेल के लिए, उसको ब्रीडिंग कराकर क्या उसके बच्चे को देंगे ना। नहीं नहीं, वो आप भी अपनी फीमेल, अगर आपके पेपर वाली फीमेल है, केसीआई पेपर है, तो हमारे पास ला सकते हैं। मतलब क्वालिटी, उसके नाम का रिवील हम लोग भी करते हैं उसके साथ। बहुत बढ़िया, मतलब ऐसा। अच्छा, टॉय ब्रीड वगैरह में भी मिलेगा ना हमारे पास? ऐसा पूरे बिहार में ऐसा कोई एरिया नहीं होगा। 3,000 में मिलता है? बिल्कुल, पहले सुन तो ले। पूरे बिहार में ऐसा कोई एरिया नहीं होगा जहाँ पे हम लोगों ने डॉग नहीं दिया होगा। और बहुत सारे डॉग ब्रीड है जो कि हम लोगों ने यहाँ पे बहुत नई फर्स्ट टाइम ही दिया। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए अब तो फिर कुछ देखा जाए। हाँ, क्या होने वाला है? हाँ। कैनल अपना दिखाते हैं। कैनल के पहले कैनल के ओनर को दिखाइए। ये हमारे रामा शंकर है, जो स्टार्टिंग में जो हमने दिखाया था वही भैया है ना। हाँ, यही है हमारे। नाम क्या भैया आपका? रामा। अच्छा, यही है ना। हाँ, ये रामा शंकर यादव है। मतलब ये पूरे कैनल के करता था आप ही हैं स्टार्टिंग में ना? बिल्कुल, सब कुछ कह लीजिए कि विद पेपर है। अच्छा, हम लोग विदाउट पेपर है। और एक और भैया हैं जिन्होंने मेरे को इनवाइट किया है वीडियो शूट करने के लिए, उनका भी नाम जान लेते हैं। मेरा नाम प्रकाश कुमार हुआ है। और प्रकाश भाई क्या हाल है? बहुत अच्छे हैं। और अब स्टार्ट करते हैं फाइनली, है ना, क्या कुछ होने वाला है। सबसे पहले आप देखिए, यहीं पर मेरे को एक डॉग दिख गया, इसके बारे में थोड़ा डिटेलिंग दे सकते हैं? ये सिडजू है और ये चाइना का डॉग ब्रीड होता है। आप इसकी क्वालिटी आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल 5 पैसा। इसका हेयर बहुत लंबा होता है। अच्छा। अभी तो ग्रूमिंग कराएगी, गर्मी का समय देख रहे हैं पसीना कितना है, तो इन लोगों को भी प्रॉब्लम होती है। ऊपर एसी वगैरह लगा है लेकिन ये हर जगह घूमने में माहिर है, तो ये गंदा ज्यादा ना हो, इसको स्किन प्रॉब्लम ना हो, इसलिए ग्रूमिंग आप लोग भी कर रहे हैं। इस वजह से आप इसको जो है बाकी कैनल से अलग रखे हुए हैं ना? नहीं, ये आराम से फ्रेंडली है, पूरा हर जगह घूमता है। अच्छा। पूरे कैनल में घूमता है। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल बताइए, मंथ क्या है इसका? ये अभी 2.5 साल का है। अच्छा, और ये भी मेटिंग के पर्पज से ही है। अच्छा। हाँ, लोग अपना मान कर चले, आपके पास सिडजू की फीमेल है तो आप आकर के यहाँ से मेट करा सकते हैं। और हमारा मेनली स्टड मेटिंग के पर्पज से ही रखा जाता है। और ये बात है कि अगर इसके बच्चा, अगर इसका अगर बच्चा वगैरह चाहिए तो लगभग प्राइस बता सकते हैं क्या?
देखिए एज पर क्वालिटी आप ये देखिए ये हेयर है और ये ग्रूमिंग किया हुआ है, ये विदाउट ग्रूमिंग आप देख सकते हैं, इतना ज्यादा बड़ा बाल हो जाता है ना। और इसके बारे में थोड़ा बताइए, प्राइस थोड़ा बताएंगे क्या? बहुत है सेम डॉग ब्रीड, ये भी मंथ का है इसका, ये 9 मंथ है, तो अच्छा 9 मंथ का है और ये 2.5 साल का है। अच्छा ये 2.5 साल का है, कितने में लगभग प्राइस बताइए इसका क्या होने वाला है अगर कोई लेना चाहे इंटरेस्टेड रहे तो? इसका 25-28 से स्टार्ट हो जाता है। अच्छा एज पर क्वालिटी ये 40-45 तक ही इसका क्वालिटी के हिसाब से। हां और ये सबसे बेस्ट क्वालिटी वाला है बिल्कुल कह सकते हैं आप, देखिए इसकी क्वालिटी काफी फुल अंडर लूज है ये बच्चे, मतलब ये देख पा रहा है, ये देख पा रहा है इसकी कटिंग, इसीलिए ग्रूमिंग करानी पड़ती है इसको। अच्छा, टाइम अभी करवाना है, देखिए ये इसकी ग्रूमिंग अभी नहीं हुई है तो थोड़ा अच्छा। प्रॉब्लम होता है क्योंकि ज्यादा हेयरी डॉग को इन सब चीजों की, ये क्या हाल है, ये दोनों सेम ब्रीड है, ये तीनों। अरे वाह, एक हमारे पास मेल है और ये दोनों जो है वो मेल है, इसके पपी में तो फिर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं भैया को, यहाँ पर अवेलेबल हो जाने वाला है। तो पहले कैनल का बैक साइड क्योंकि क्लाइंट लोग के लिए रहता है मेनली, जैसे अगर हॉस्टलिंग वगैरह करानी हो हमारे पास तो हॉस्टलिंग के लिए जगह है। ये हमारा स्टार्ट मेल, इसका नाम बहादुर है, बेटा। और ये हमारा दूसरा स्टैंड मेल जो कि कॉपर है, और तीसरा हमारा स्टैंड जर्मन शेफर्ड का है, इसका नाम टार्जन है, इसकी भी फोटो वीडियो आप लोग देखते रहते हैं, अभी लेटेस्ट में इसके पपीज वगैरह देखने के लिए मिले थे। और हमारे पास ये भी दो लैपर्ड और का मेल फीमेल दोनों अवेलेबल है, ये दोनों वेट पेपर केसीआई बच्चे हैं, ये दोनों भी है, और ये सिरजू का मेल है और फीमेल है, ये दोनों देख लीजिए काफ़ी खूबसूरत क्वालिटी है, दोनों 8-9 महीने के आसपास के हैं हमारा भी कैनल में। और बच्चों को केज में इसलिए रखा गया है ताकि ये वीडियो बनाते समय डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि ये सारे ओपन ही रहते हैं, लेकिन अभी फिलहाल केज में रख दिया गया है ताकि इसे दिक्कत ना हो वीडियोस बनाने में। तो आगे चलिए मैं बच्चों बेबी अगर चाहिए तो कहाँ पे बच्चा कहाँ पर है ये इसके बारे में थोड़ा बहुत निकाल के दिखा सकते हैं क्या इसको? ये आपका अभी 45 डेज ओल्ड है, सिर्फ 45 डेज ओल्ड है। अरे वाह, मतलब इसके एज के हिसाब से काफी हेल्दी है ना बच्चे के। देखिए हाँ, अच्छा ये फादर है, फादर है उसका जी, इसको तो आप सेल के लिए रखे हुए होंगे? हाँ बिल्कुल, काफी सारे पपीज हैं सेल के लिए, क्या जो भी आप एट अ टाइम ला करके जो भी डॉग हो जाए वो अवेलेबल रहेगा। आप बताइए कितने में देंगे इसको, प्राइस वगैरह क्या रखते हैं? देखिए वो तो डिपेंड करता है अपने कि आपने क्वालिटी लेनी है नहीं लेनी। अच्छा हमारे पास रेंज आपका 7-8 हजार से स्टार्ट हो जाता है। अच्छा ये 7-8 हजार 4,500 रुपए हमारे पास मिनिमम डॉग का प्राइस रेंज है जी, तो 4,500 से हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। इसका क्या रखे हुए जैसे ये तो बेस्ट क्वालिटी वाला हो गया, मतलब ये अगर बड़ा होगा तो इस साइज में तो जाएगा ही है ना? हाँ उसी का वो, देखिए लेपर्ड का क्वालिटी 8-9 हजार से स्टार्ट हो जाता है। अच्छा 8-9 हजार, हाँ इस क्वालिटी उससे भी डाउन होता है, लेकिन हम लोग देते नहीं। ये मेरे लिए मैं जी मेरे लिए जस्ट एक मंथ पहले इसका फादर रिपोर्ट है। हाँ अच्छा, इसके फादर का नाम घूमते घूमते बाहर आ चुका है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल बताइए भैया क्या होने वाला है ये? इसका आंख बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है जी, इस बारे में थोड़ा बताइए। लेबराडोर में चॉकलेट कलर ये होता है। अच्छा ठीक है जी, इसके फादर इम्पोर्ट है। अच्छा उसी का बच्चे हैं। अच्छा ये अभी 2 साल का हो चुका है, 2 साल 2 साल का हो चुका है। क्वालिटी वगैरह बहुत जबरदस्त है ना, इसका अगर बच्चे चाहिए इसका तो अलग ही रेट लगेगा, इसका अलग ही रेट। बहुत बढ़िया, ये हो गया गोल्डन कलर में, मतलब डेयरी मिल्क। अभी ये फीमेल बच्चे करी है और इसका एक बच्चा इधर है, बाकी 2-3 बच्चे हम लोगों ने उधर रखे हैं।
भाई लोग सबसे पहले जो है यहाँ पर कुछ और ब्रीड है जो कि बहुत ज्यादा लोग पसंद करते हैं, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होता है। ये कौन सा ब्रीड है भाई? ये गोल्डन रिट्रीवर। ये थोड़ा सा लाइट कलर है, ये थोड़ा डार्क कलर है ना, काफी हैवी में है जी। शरीर में देखने को जल्दी नहीं मिलेगा। अच्छा इतना है भी, देखने को जल्दी नहीं मिलेगा ना। क्वालिटी हाँ, ये सब क्वालिटी। ये मेरा कलाई का साइज का इसका ये साइज है। अब इस ये बताइए इसका क्वालिटी कैसे पता किया जाए? बस इसका बोल एक डॉग पहले दिखाया जाए, एक डॉग मतलब हाँ पहले इसके बारे में पहले बताइए। हाँ बताइए देखिए इसका सबसे पहले इसका देखिए इसके कान के साइज को देखिए। अच्छा ये और इसके बाल को देखिए, ये आप इधर से करें इधर से करें आपको स्किन नहीं दिख रहा इसका। अच्छा स्किन नहीं दिख रहा, अगर ये कोटिंग अच्छी नहीं हुई क्वालिटी अच्छी नहीं हुई आप जैसे इसको उल्टा करें ना तुरंत से आपको स्किन दिखने लग जाएगा। और इसके बोन वगैरह को देखें काफी चौड़ा चौड़ा बोन है। अच्छा हेड देखिए इसका, हेड का साइज देखिए और ये इसका कान का साइज देखिए। अच्छा कान आपको दिख रहा है, बाल दिख रहा है आपको कान। ये सारी चीजें हैं, यही क्वालिटी। ये मेरी फीमेल है, ये अभी अपना फीमेल है, मेल हमारा उधर है, फीमेल है। हाँ प्राइस बताएंगे क्या प्राइस इसका क्या मतलब होती है? इसका प्राइस अपना 15,000 से स्टार्ट हो जाता है अपने पास में, 15,000 एज पर क्वालिटी 30-35,000 तक जाएगा। वो जैसी क्वालिटी रहेगी वैसे आपको प्राइस देखने के लिए। ये बताइए भाई ये तो मेल है ना? ये मेल जी। मैं फिर से वही कहूँगा बोन हेयर और इसके ईयर जी, तो इसको दिखाते हैं और रिट्रीवर से अलग। अच्छा क्योंकि देखिए मेनली क्या है हेयर भी वो ही नहीं दिखेगा, स्किन नहीं दिखेगा ना, बिल्कुल नहीं दिखेगा। इसको भी लगभग वही प्राइस में रखते हैं। और वो आपकी फीमेल है जिसने अभी बच्चे करे हैं, काफी ज्यादा प्लेफुल डॉग टॉय ब्रीड का डॉग इसको कह सकते हैं ना। अभी तुरंत इसको साफ किया गया है इसलिए थोड़ा गीला है, ड्राइवर्स अभी ड्राइवर्स ही किया जाता है डॉग को। जी क्या होने वाला है? ये इंडियन स्पिट्स है। अच्छा ये भी बेस्ट क्वालिटी में? हाँ ये रेयर कलर है। अच्छा ब्लैक कलर नहीं मिलता? नहीं व्हाइट कलर आपको जनरली सब जगह मिल जाएंगे, ये ब्लैक कलर बहुत कम मिलता है। जी नीचे रख दीजिए प्रकाश। इसका क्या प्राइस रखे हैं लगभग, कितने दिन का है ये? 4,500 रुपए से स्टार्ट हो जाता है हमारे पास। और कितने दिन का है ये? ब्लैक कलर का थोड़ा ज्यादा होता है, व्हाइट कलर हम लोग का 4,500 से स्टार्ट हो जाता है। अच्छा ये सारे बच्चे आपको जो भी यहाँ बच्चे देखने के लिए मिलेंगे 35 से 45 दिन के बच्चे होते हैं। अच्छा 35 से 45 दिन 45 दिन के बच्चे होते हैं। बहुत बढ़िया, मतलब सेल के लिए 35 से 45 दिन के बच्चे जो हैं वो सही रहते हैं ना। हाँ अब काफी लोग डिमांड करते हैं कि नहीं छोटे बच्चे चाहिए, छोटे बच्चे ज्यादा बेटर नहीं होते। ये मत आप लोग बोलना कि भैया केज में रखा हुआ है, केज में रखने का रीजन ये है कि वीडियो बनाने में आसानी हो, आसानी हो। वीडियो काफी परेशानी होगी और सबको हम लोग जो है फर्स्ट फ्लोर पे आए हुए हैं, ठीक है? फर्स्ट फ्लोर पे है और वीडियो बनाने में आसानी हो, इस वजह से हम लोगों ने बोला। मैंने खुद बोला कि भैया कितने सारे जरा सबको एक बार दिखाते चले। अच्छा बोल अभी निकाल के देखिए, उसका नाक का जो कलर है ना बहुत जबरदस्त लग रहा है, बिल्कुल यूनिक दिखने में लग रहा है। हाँ बिल्कुल ये पिंक नोज में है। ओहो क्वालिटी ये सब बेस्ट है। लीची वाला जो आपने बोला था कि थोड़ा कम है, मगर ये सब तो अभी लेवल क्वालिटी है। बिल्कुल सारे क्वालिटी बढ़िया है। देखिए प्योर सारे लैब्राडोर होते हैं। अच्छा चाहे वो 10,000 का हो या 10,00,000 का हो, दोनों लैब्राडोर ही है, बट क्वालिटी के हिसाब से एज पर क्वालिटी रेट उसके चेंज होता जाता है। ये सबसे रेयरेस्ट में हो गया जो कि कलर में हमारे पास ही आप इंडियन स्पिट्स। आपके पास क्या बता रहे हैं? हमारे पास अभी आपने जो लैब्राडोर देखा, हमारे पास आपने अभी दो लैब्राडोर का मैंने स्टड मेल दिखाया। जी जी एक अपना बहादुर है और एक वो है कॉपर। जी दोनों का रेट में काफी डिफरेंस है। अच्छा हाँ एक तो आपका मतलब 40-50 के आसपास है, दूसरा 2,50,000 का है। तो जाहिर सी बात है 2,50,000 का है, तो दोनों लैब्राडोर ही है बट रेट इतना ज्यादा है। तो इसीलिए मेजर मतलब मेन है आपका क्वालिटी, क्वालिटी के कारण ही रेट इतना फ्लक्चुएट करता है। और आप सोचेंगे कि दोनों लैब्राडोर है तो सबका रेट एक ही होना चाहिए, वो बात नहीं है। ये पिंजरे में अगर दोनों लैब्राडोर है ना तो ये भी दोनों सेम देखने में आपको लग रहा है कि दोनों के रेट में काफी डिफरेंस होगा। हाँ ये देखिए इसको, ओहो भाई क्वालिटी फुल अंडरडॉग बच्चा है।
एकदम नाक आपको बाहर आएगा ही नहीं जी, वो नाक बिल्कुल अंदर से, देखिए बिल्कुल अंडर नोज है, फुल अंडर नोज पपी है, क्वालिटी बहुत अच्छा है, बहुत बहुत अच्छी है, फुल अंडर नोज बच्चा है ये, मतलब अभी अगर ये फीमेल है, हाँ ये फीमेल है, अगर आप अभी आना चाहे तो आप कितने दिन जाइए, ये अभी मात्र जी, और जैसे आपने अंदर डाला ना वैसे ही उसकी माँ को टेंशन हो गया, कहाँ गया मेरा बच्चा। देखिए मदर किसी की भी हो, ह्यूमन में हो या एनिमल में हो या कोई भी दुनिया का जीव हो, माँ का प्यार अलग है। सही बात है, ये बात है। ये क्या भैया, ये लैब्राडोर के बच्चे हैं, लैब्राडोर के बच्चे हैं, लैब्राडोर का दो कलर में, ये तीन कलर में लग रहा है क्या, ये गीला है। ओहो देख लीजिए लैब्राडोर का कितना छोटा पपी है भाई लोग, कितना ज्यादा छोटा है, मतलब ये 10 से 15 दिन का होगा मुश्किल से जी, 15 डेज के आसपास का ये बच्चा है। ये सब अभी मदर फीडिंग पे, इस वजह से जब ये 35 दिन का लगभग हो जाएगा तब जा करके इसको सेल किया जाएगा, और ये सेल लगभग वही, ये तो क्वालिटी बेस्ट है ना। इसकी मदर पेपर वाली है। अच्छा और भी बच्चा है, मैं वो भी आप लोगों को दिखाने का पूरा कोशिश करता हूँ बगल वाले रूम में। भैया इसका भी प्राइस तो लगभग वही पड़ेगा जो पहले बताया था आपने। हाँ देखिए एज पर क्वालिटी है, इसके अगर पेपर लग जाएंगे तो रेट थोड़ा सा फ्लक्चुएट होगा। अच्छा अलग पेपर नहीं लगते हैं, क्वालिटी ही बड़ी, क्योंकि देखिए अप्लाई मैंने किया नहीं है, यहाँ जनरली लोगों को चाहिए भी सस्ता ही जी। अभी हमारे पास जो लैब्राडोर एक लीटर आने वाला है उसका रेट अभी आसपास होगा, मतलब 25 के आसपास होगा लैब्राडोर का रेट, ठीक है। हाँ लेकिन लोग लेना नहीं चाहेंगे। चलिए अब बगल वाले, बहुत कम लोग होते हैं जो क्वालिटी आपको 2-3 दिन के अंदर मिल जाएगा। पर्सनल रूम दिया गया है क्योंकि अभी ये माँ बनने वाली का केयर करना चाहता है ना, अभी थोड़े बड़े हो जाएंगे, तो दो बच्चे हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताते चलें कि आपने कितने बच्चे देखे अभी वीडियोस में। चलिए आपका फ्लोर अभी समाप्त हो गया, अभी आपको दूसरे फ्लोर पे हम लोग ले चल रहे हैं। ये डॉग के खाने खेलने की जगह है, यहाँ पे डॉग की मैटिंग होती है, डॉग के मैटिंग के लिए है, और वहाँ जो बर्तन पड़े हैं कुछ अभी साफ नहीं हुए, सारे गंदे पड़े हैं, तो ये सारे अभी तो इसी बर्तन में खाना पीना बना चाहते हैं डॉग। पहले देखिए अपने घर में सिर्फ एक डॉग पालना है, क्वालिटी कोई लेना देना नहीं, फिर तो कोई बात कहने वाली है ही नहीं। सही बात है। तो आपका देखिए जैसे कि मुझे कोई कॉल आता है डॉग के लिए तो पहला सवाल ये होता है कि भैया डॉग कैसा है, अच्छा है। दूसरा सवाल जनरली लोग कॉल करने का पूछते भैया क्या रेट है, तो जाहिर सी बात है आप रेट देखना चाहते हैं या क्वालिटी, अगर क्वालिटी देखना चाहते हैं फिर रेट भूल जाइए। अच्छा, अगर आपको रेट देखना है फिर क्वालिटी हमारे पे छोड़ दीजिए, मैं क्वालिटी अपने हिसाब से 10-15 हज़ार रुपए अगर कोई लगाते हैं तो बेस्ट क्वालिटी वाला। मैं देखिए हमारे तरफ से तो पूरी कोशिश होती है कि मैं जितना से बढ़िया क्वालिटी आपको प्रोवाइड कर सकूं, ऐसा क्वालिटी जो पूरे पटना में ना कहीं मिले। अरे वाह, और ये जो सेक्शन है वो किसके लिए है, ये डॉग मैटिंग के लिए है, और यहाँ खाना पीना होता है डॉग का। अच्छा वो है भाई अमेरिकन बुली, दीम पकड़ो तो उसको। हाँ बिल्कुल पकड़ सकते हैं। आप अचानक से पकड़ी कोई दिक्कत नहीं है, कोई से जबरदस्त ब्रीड, मतलब यहाँ पर मेरे को असली में लग रहा है कि डॉग्स वाला वाइब आ रहा है, डॉग्स वाला जो वाइब है ना, हमारे से निकल रहा है जी। देखिए हमारे
पास डॉग कौन कौन से डॉग है वो तो खुद बता पाएंगे। बिल्कुल लवर है उनको तो पता चल नहीं थोड़ा कैमरा दे दिया जाए इधर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। मतलब आप कैमरे के पीछे बिहाइंड कैमरा ही रहेंगे जी। मतलब आप डिटेल दे रहे हैं ना तो डिटेल में हम बिहाइंड रहेंगे। ये हमारे ये स्विच का कॉपी है मैंने प्यार किया मूवी का जी सुपरस्टार उस फिल्म। अच्छा भैया इसका बच्चा लगता है कितने प्राइस तक में आता होगा एक एवरेज बताइए नहीं तो लोग का कमेंट आएगा कि नहीं। हम मेरे को लगा कि शायद हेल्दी हो मेलो लेकिन आपको ना पता चले लेकिन पेपर के साथ हैंड टू हैंड पेपर आपको मिलेगा इसका जी। और इसका पेपर रेडी है 3 महीने। ये सब का बच्चा का प्राइस तो उन्होंने बता ही दिया। ये दोनों बच्चा ही है ये दोनों सेल के लिए। हाँ ये दोनों सेल के लिए साइज भी काफी बड़ा है और काफी अट्रैक्टिव दे के ये देखिए भाई ये तो। अच्छा एक चीज ये बता पूछना चाहूंगा आपसे कि आप जो भी पेट्स आपके पास दिख रहे हैं ऐसा नहीं ना है कि लोग अगर टच करना चाहें तो वो बाइट कर ले। देखिए आपको तो खुला छोड़ा गया आपको फर्स्ट टाइम आया है जी। देख कर बताइए आपका एक्सपीरियंस क्या है और आप ही हमारे व्यूअर्स को यानी अपने व्यूअर्स को आप बताएं कि कैसे मतलब यहाँ कुछ परेशानी हुई आपको। मतलब यहाँ पर जो है सबसे खतरनाक वाला जो डॉग है वो भी सबसे शरीफ है। बिल्कुल ये लोग उसको गाय कहते हैं। इसके बारे में थोड़ा अच्छा ये वाला मेरे को खोल सकते क्या ये वाला ये सबसे ज्यादा मेरे को पसंद आया लास्ट टाइम जो मैं आया था और मेरे को सबसे ज्यादा जो पसंद आया था खोलने के बाद होगा कुछ नहीं बस यही कि सारे डॉग एक साथ शोर करने लग जाएंगे। अच्छा वीडियो बनाने में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। अच्छा भैया आप खोलिए उस वाले को मत निकालिएगा ये आप खोलिए ना पर कोई दिक्कत नहीं वो वाला ऐसा ना कि नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं और कोई दिक्कत नहीं होगी सारे कुत्ते भैया का भी हाथ काफी बड़ा है मगर इसका कुछ नहीं है। तो छोड़िए मुंह देख लीजिए। हाँ ये देखिए मुंह देखिए इसके पंजे वगैरह को देखें आप तो ये भी बहुत तगड़ा पंजा है। एक चीज जो है आपके पास देखने को ये पता चलता है कि कोई भी डॉग जो है ना एग्रेसिव नहीं है। नहीं एग्रेसिव कुछ नहीं है। देखिए एग्रेसिव अगर डॉग रखेंगे तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसको परेशानी है अभी एग्रेसिव दिखेगा। यहाँ किसी डॉग को यहाँ रहने से परेशानी नहीं है। बहुत अच्छा सच्चा शेर अभी झगड़ा कर लिया था इसने जी भाई हो गया इसके करके। मतलब ये झगड़ा करने के लिए बेसिकली फेमस हाँ ये अगर गलती से खुल गया तो फिर किसी और का खैर नहीं है ये किसी को भी पकड़ सकता है। अच्छा और जब तक इंसानों पे अटैक नहीं करता जल्दी जल्दी अटैक नहीं करता जब तक खतरा महसूस ना हो। अच्छा अगर आपसे अगर खतरा महसूस होगा तो फिर ये तुरंत अटैक कर लेगा ऐसे ये कुछ नहीं करना। अच्छा तो इसका अगर बच्चे का प्राइस की बात करें तो क्या होता होगा 25,000 से स्टार्ट होगा 25,000 और ये भी काफ़ी ज़्यादा देखिए हमारे पास इसके जो प्राइसिंग होता है 20-25,000 से स्टार्ट हो जाते हैं। ये तो एडल्ट है रहते हैं। ये सारे इस पे ओपन रहते हैं।
कुछ केजेस बने हैं स्पेशल डॉग के लिए। चलिए ले चलते हैं, सारे डॉग से मिलाते हैं आपको, कौन कौन सा डॉग हमारे पास अभी आप चल के देख सकते हैं जी। और आप भी एंट्री मारेंगे अभी। आपको डरने की जरूरत नहीं है, सारे फ्रेंडली हैं। और यहाँ 1, 2, 3, 4 गिनती गिनते रहिए। चलो चलो, एक बार आप आइए। ये दोनों भी प्रॉपर एसीआई रजिस्टर्ड है। अच्छा, दोनों, हाँ दोनों 4 महीने के आसपास के हैं, दोनों एसीआई रजिस्टर्ड है। ये वाला जो डॉग है देख करके मुंह घुमा ले रहा है, ये रॉटवाइलर, जबकि बहुत ज्यादा खूंखार, लोग कहते हैं कि बहुत ज्यादा खतरनाक होता है जी। आप इसका वो सही देख सकते हैं, बिल्कुल एकदम डर जाएगा, वो आपसे डर जाएगा, नहीं बजा देगा। अच्छा, मतलब अभी इसको पता नहीं है कि मेरी ताकत क्या है ना। ना, बिल्कुल अनलोड है जी। आप इसका हेड साइज देख सकते हैं, मतलब आपको तो संतुष्टि मिल रहा है ना डॉल देख करके, डर तो अब खत्म हो गया होगा। नहीं अभी तक नहीं, नहीं खत्म हो गया। ये दोनों को दिखाए हैं, ये दोनों केसीआई के रजिस्टर्ड हैं। ये दोनों आप क्वालिटी देखिए, इसके हेड पर रिंग तो देखिए, इसका हेड दिख रहा है जी, रिंकल्स दिख रहा है। अभी 4 महीने के हुए हैं, बहुत बढ़िया, काफी मुश्किल काम जी, काफी वेटेड है। ये देखिए, ये मेरे को समझने की कोशिश कर रहा है कि कौन है डॉग, ये वाला भी, ये मेरा देखिए ह्यूमन के इतने फ्रेंडली मेल है। अच्छा, ये क्या चैंपियन लाइन, मतलब बीगल है ना ये, नहीं ये बीगल मेल है, चेस्टर्ड मेल है जी। डॉग शो में कौन गया था ये? अभी वो अपना पटना का डॉग शो में गया था, ये वाला मेल अंदर से आ जाओ। और ये वाला सबसे बेस्ट क्वालिटी है, और इस जो सबसे नीचे आपने ब्राउन कलर वाला दिखा था चॉकलेट, वो सबसे ऊपर है, वो सबसे अप क्वालिटी है। हाँ, ओके, कुकी का सब काम कर ले बेचारा, मतलब लगभग हर ब्रीड का। अच्छा ये बताइए, हस्की वगैरह कोई चाहेगा तो? हाँ मिल जाएगा, हमारे पास हस्की का कोई भी डॉग हमारे यहाँ से जा चुके हैं। छत पे थोड़ी कलाकारी भी है अपने तरफ। संतोष का काफी इच्छा है सनलाइट दिखाने का, तो आप लोग सनलाइट देख लीजिए। और हमारे यहाँ बगल में बेऊर जेल है, जो कि आप लोग देख सकते हैं, ये बेऊर जेल है जो लाइटिंग आपको दिख रही है यहाँ, ये रेड कलर की जो बाउंड्री दिख रही है बेऊर जेल की है। रॉटवाइलर का मेल है, काफी सीधा और समझदार रॉटवाइलर का मेल।
हमारे पास ये कुछ लैब्राडोर के मेल हैं, फीमेल्स हैं। वहाँ आपको रास्ता का एक फीमेल पड़ा है, वहाँ पे दिखा सकते हैं। ये लैब्राडोर का स्टाइल मेल है, ये हमारे फिफ्थ फ्लोर का व्यूज है। काफ़ी डेंजर, काफ़ी खतरनाक, मज़ा आता है। यहाँ जो भी क्लाइंट आते हैं काफ़ी एंजॉयफुल प्लेस है, आप यहाँ आकर के एंजॉय कर सकते हैं। डॉग आपको काफ़ी सारे मिलेंगे जिसके साथ आप टाइम एक्सपेंड कर सकते हैं अपना। छोटा सा रिव्यू आपको मैंने दिखाया, जो भी डिटेल हमारे पास थी आप लोगों को सारा कुछ दिखा दिया। पूरे डिटेल के साथ नहीं दिखा पाए, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती। हमारा मेन बोला है आपको कमेंट करें और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, और जो चैनल पर नए हैं बिल्कुल से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजें ताकि वो लोग भी हमारा कैनल सेटअप देख सकें, हमारे तरफ बच्चे रखने का तरीका देख सकें। जो भी जानकारी हमने दी वो सब आप और लोगों के साथ। तो आज की वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आप लोग ऐसी वीडियो देखने के लिए अगर को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और जो भी कोई त्रुटि हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर।